Welcome to Perfect Woman, and here I'm having my special guest, and she is Parita Vora. Talking about her, she is a healer, a tarot expert, and lot many activities that gets only to healer person. So hello Parita ji, welcome to Perfect Woman. Thank you. Okay, tell me something about you. Like Parita ji, you have been into multitasking, you are all about spirituality. So now today you are my perfect woman. Can you just put some light on it? Like, was it always in your mind that you wanted to be a healer? Yeah, actually, first of all, I don't know what is healing and all that. But when I had a very bad experience, I went through an accident. Then suddenly I had a spiritual awakening, and then I started my career. And then as and when I delve into this, I found that yes, I am a healer. मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ तो मैं किसी को भी हील कर सकती हूँ, एंड दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ एनी हीलर. और जो हीलर की जर्नी होती है वो कभी भी आसान नहीं होती. तो अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, तो समझ जाओ इज अ श्योर शॉर्ट साइन कि आप में हीलिंग पावर है. अंडरस्टूड. ये किस तरीके से होता है? मतलब आपने जब स्टार्ट किया, एज इन इनिशियल स्टार्ट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इनटू इट? बिकॉज़ यू नो, लाइक वी द वर्ल्ड इज इन लाइक पैक्ड विद सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन इंडिविजुअल्स लाइफ. हर किसी की जिंदगी में देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, बट नॉट एवरीवन बिकम्स अ हीलर. दे लुक एंड दे सर्च फॉर हीलर्स लाइक यू हु हेल्प देम. तो आपका ये जर्नी कैसा था व्हेन यू बिकेम एन हीलर? हाउ वाज द अप्रोच फ्रॉम पीपल? See, किसी का भी, जैसे मैंने बोला कि हम लोग अपनी मटेरियल लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम या अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पाते, या तो वो स्पिरिचुअल मैसेज को डिकोड ही नहीं कर पाते. बिल्कुल. तो देर आर सम साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, दे आर सेंडिंग अस ईच. इट इज सेड दैट कि अगर हर सोल के साथ उसकी स्पिरिट टीम आती है, बट हम उसे डिकोड नहीं कर पाते. दूसरा, स्पिरिचुअल और यूनिवर्स का जो हमारे से बात करने का तरीका है, दैट इज अ वाइब्रेशन, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी. एब्सोल्युटली. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड. एवरीवन के नॉट. और जब कोई नहीं कर पाता है तो हम वो लूप में फंसते ही रहते हैं. अगर जो कर लेता है सक्सेसफुली वो हीलर बनता है. तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा था कि मैंने 3-4 बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, बट मैंने वो सुना नहीं, या मैंने इग्नोर किया, या मैं समझ नहीं पाई. एंड देन मुझे कंटिन्यू सिंक्रोनिसिटी दिखने लगी, मुझे नंबर्स दिखने लगे, मुझे फेदर्स मिलते थे. मेरे घर में फेदर्स उड़कर आते थे जबकि मेरे आजू बाजू कुछ नहीं होता था. समटाइम आई फील लाइक के मेरे साथ कोई है, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखूं तो कोई नहीं होता था. And when I started meditating and I learned about what is matrix, तो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये ऐसा कुछ होता है. फिर मैंने धीरे 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 नॉलेज लिया, लेकिन वो सारा नॉलेज मुझे बिखरा बिखरा लगा. मतलब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स जोड़ने पड़ेंगे. तो वो सारे पॉइंट जुड़ते जुड़ते मुझे पता चला कि ये ऐसा कुछ होता है. और हमें जब यूनिवर्स गाइड करती है, जब हमारे आसपास कुछ नहीं होता, हम एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं. और लाइफ में कभी ना कभी हम सबने एक ऐसा एंड देखा होता है कि जहां हमें लगता है बस खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता. एब्सोल्युटली सही कहा आपने. और फिर वहीं से और वहीं से हमारी ये जर्नी शुरू होती है. अगर वहां पे इस टाइम पे हमने अगर उसके मैसेजेस डिकोड कर लिए या समझ लिया, तो ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है. और स्पिरिचुअल जर्नी भी आसान नहीं होती. यहाँ पे भी हमारे कमिटमेंट्स चेक किए जाते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे टेम्पटेशन आते हैं. हम 4 कदम स्पिरिचुअल में आगे बढ़ते हैं, और तो हमें 2 कदम पीछे भी घसीटा जाता है. मतलब हमें और मुसीबत में डाला जाता है, लेकिन वो कमिटमेंट होता है. फिर भी अगर हम ये रास्ता नहीं छोड़ते हैं, हम सेल्फलेस अपना काम करते हैं, हम लोगों को हील करते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं, मतलब कुछ भी. हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉपरली सारी रिचुअल की. अगर आपने किसी का दर्द भी समझ लिया और उसको 4 बात भी ऐसी बोल दी कि वो बूस्ट हो गया और उसने अपने जीवन में कुछ कर लिया, तो समझो कि आप हीलर हो. एब्सोल्युटली. ये पूरी जर्नी जो होती है हीलिंग की, इसमें आप लोगों को हील करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेते हैं आप. और कई बार मैंने ये भी सुना है कि जब हम किसी को हील करते हैं
तो एज अ हीलर आपको वो पेन आपको होता है, मतलब सामने वाले का जब आप हील करते हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी स्ट्रेंथ पावर विल पावर स्ट्रांग हो. और मैंने कई बार सुना है कि इट अफेक्ट्स यू आल्सो, तो कैसा ये सच है, आपके साथ भी कभी हुआ है ऐसा? या सी, पहले तो हमें खुद को भी, हर किसी को भी नहीं पता होता कि उसमें क्या इनबिल्ट है या उसका लाइफ पर्पस क्या होता है, क्या सोल पाथ क्या होता है. बिल्कुल. तो जब हमारे साथ भी होता है हमें कुछ पता नहीं होता, अननेसेसरली हमें लगता है कि हम ओवरवेलम फील कर रहे हैं, अननेसेसरली समटाइम्स हमको लगता है कि हम क्यों रो रहे हैं. क्योंकि सामने वाला जब हमसे कहता है ऐसी बात बात में कि मुझे ये तकलीफ है, तो हमें उसका पेन शुरू हो जाता है, हमें फील होता है कि एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहा है, तो समझ में नहीं आता. पर धीरे धीरे जब तुम इसको समझते हो, अपने आप को कंट्रोल करते हो, तब समझ में आता है कि आप एक एम्पाथ भी हो सकते हो, आप स्टार सीड हो सकते हो. इसमें भी हीलर्स में भी टाइप्स होते हैं और थेंजल्स भी हो सकते हो. तो फिर आपको देखना है कि आप में क्या हीलिंग क्वालिटीज है, आपको क्लियर वॉइंट हो, आपको कुछ सुनाई दे रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहे, कुछ इवेंट हमें पहले से दिखाई देते जिसे हम विजनरी बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उसे ही इंट्यूशन बोलते हैं. और फिर वो होता है जब रियल लाइफ में, तो हमें लगता है अरे ये तो मैंने सोचा था वही हुआ. फिर तुमको अंदाजा आने लगता है कि यस यू आर एम्पाथ, यू आर स्टार सेड, कि ये तुम्हारी लाइफ की ये जर्नी है, शायद ये लाइफ पाथ है आपका. और जब तुम इसमें जाते हो तो तुम उसमें ज्यादा सुकून महसूस करते हो, तुम ज्यादा मेडिटेटिव पोज में रहना पसंद करते हो, तुम सॉलिट्रेट पसंद करते हो. सॉलिट्यूड रहना मतलब ये नहीं होता है कि तुमने काट लिया है अपने आप को किसी से. सॉलिट्यूड का मतलब होता है तुम चूज करते हो अपने आप को जानबूझ के अलग रहना. आप बराबर बराबर अंडरस्टूड. तो इसमें ये जो जर्नी है आपकी, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिनके साथ में आपने हीलिंग किया है, तो ऐसी कोई जर्नी जो आप हमसे शेयर करना चाहो जो आपको बहुत करीब थी आपके साथ में और उतना ही डिफिकल्ट टास्क था हील करना भी? यस, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर वो जो हाँ, वो तो हमेशा से कॉन्फिडेंशियल होता है. लोग आपके पास एक भरोसे के साथ आते हैं, आप उनके बारे में जहाँ तक हो सके वो आपकी और उनकी प्राइवेसी होती है. या और ये प्रोफेशनल एथिक्स भी है कि हम इधर की बात उधर, चाहे वो भले प्राइवेट ना भी हो तो भी नहीं कर पाते और नहीं करना चाहिए. बट मेरा एक एक्सपीरियंस है, आज भी वो हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन कहना कि उनकी बच्ची को लेकर उन्होंने मुझे कुछ पूछा था, एक ही क्वेश्चन पूछा था, पर आई स्टार्टेड क्राइंग एंड मैंने पूछ लिया कि मैं 10 मिनट के बाद आपके साथ वापस जुड़ती हूँ. एंड दे फील कि क्या हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड बोलना शुरू जब मैंने किया कि ये तो उन्होंने, उनकी बेटी ने भी बोला कि यस मैम यही सारा फीलिंग है, बस मैं वर्ड्स नहीं दे पाई थी अपने पेन को. तो ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ कि वो उनके पेन को मैंने वर्ड दिया और वो उस वर्डिंग से उसकी माँ समझ पाई कि उसकी बेटी क्या फील कर रही है. एंड देन दे स्टार्टेड टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स एंड उनसे आज वो काफी बेटर पोजीशन में है, अभी अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं. और वो माँ बेटी का भी जो बॉन्डिंग हुआ बहुत अच्छे से हुआ, कभी कभी हम भी अपने बच्चों को नहीं समझ पाते. Understood. तो इस तरीके का ये जो हीलिंग के लिए लोग आपके पास आते हैं ना, तो हमेशा कितने सेशंस लगते हैं? क्योंकि कोई भी हीलिंग के लिए क्या एक दिन में हील हो जाते हैं क्या उनकी? नहीं, डिपेंड करता है मैम, डिपेंड करता है कि देखो अगर हमारे घर में कितना कचरा पड़ा है उसके हिसाब से है. अगर हमने क्लटर बहुत भर के रखा है तो रिनोवेशन करने में आपको पता है कितना टाइम लगेगा. अगर आपका घर बड़ा है तो टाइम ज्यादा जाता है. जब एक ऐसा ही समझ लो ना कि हम रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं वो हमारी रोज बरोज की क्लीनिंग होती है, लेकिन हम जब दिवाली की सफाई करते हैं तो वक्त लगता है उसको बराबर, है ना. दूसरा फर्क, दूसरा ये पड़ता है कि आपकी प्रॉब्लम्स कैसी है, आपका खुद का विल पावर कितना है. सामने वाला अगर तैयार ही नहीं है ठीक होने को तो मुझे टाइम ज्यादा जाएगा. राइट. तो ये दोनों की मर्जी से होता है. बिल्कुल सही कहा, आपकी हीलिंग पावर के हिसाब से. क्योंकि मैंने कई बार ये भी सुना है कि हीलिंग करते हैं तो उनको काफी लोगों से मुझे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि मैम ये ना स्पेल होते हैं, ये ब्लैक मैजिक होता है. तो मैंने कहा था कि नहीं, ये सब चीजें कोई एक्सपर्ट ही मुझे बता पाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या होता है. हम हर वर्ड का एक स्पेलिंग होता है, राइट? बराबर. तो उसको हम स्पेलिंग क्यों बोलते हैं? अगर वर्ड है तो उसको स्पेलिंग क्यों बोलते हैं? वो स्पेल ही हुआ ना.
हमारा हर वर्ड स्पेल है. अगर आप भगवान की स्तुति जब करते हो वो भी तो स्पेलिंग ही है, स्पेल करना ही हुआ ना. आप रोज प्रे करते हो, चाहे वो जीसस की करो, चाहे गुरुद्वारा में जाके आप वाहेगुरु की करो, जीसस की करो, अपने गणपति जी की करो, या अपनी अल्लाह की इबादत करो, जो अजान पढ़ते हैं वो सब क्या है, वो लिखा हुआ रोज बोलते हैं, तो वो स्पेल ही हुआ. So nicely, तो उसे उसको तुम नहीं बता सकते कि अगर मैं एक ही चीज बोलते ना कि ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली जाती है जो बार बार बोली जाती है. अगर मैं रोज आकर आपको बोलूं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे, तो आप ऐसे बनना शुरू हो जाते हो, आपको लगने लगता है कि यस मैं ऐसी. Understood. तो इसीलिए आपको बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन भी रोज सुबह उठकर अफर्मेशन बोलते हैं. Absolutely, I understood. ये affirmations की जब हम बात कर रहे हैं, अभी आपने बात छेड़ी अभी, तो affirmations कितने, क्योंकि ये सब एक न्यू हमारे इंडियन कैसे जो सभ्यता है या हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है, जो उसमें ये सब चीजें बहुत नई है कि आप कहोगे कि affirmation करो या आप कहोगे कि manifestation करो, law of attraction, ये सारी चीजें हमारे कल्चर में पहले से नहीं थी, ये अभी अभी टेक्नोलॉजी के जरिए हम सब तक पहुंची. तो इसके ऊपर आप जरा लाइट करेंगे, लाइक व्हाट यू फील अकॉर्डिंग टू. हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू यू. या अगर आप किसी की भी चीज की गहराई में जाओगे ना, तो कुछ भी नया नहीं है, सब जुड़ा हुआ है. सिर्फ फर्क इतना है कि अभी टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारे नए नए वर्ड हमें लगते हैं. जी बिल्कुल. अभी जैसे मैंने बोला स्तुति करते, वो भी एक स्पेल ही हुआ. बिल्कुल. स्पेलिंग का मतलब ही वो ही हुआ कि एक वर्ड को बार बार बोल रहे, इसीलिए उसको स्पेलिंग बोल रहे हैं. बराबर बराबर है. तो अभी वैसे ही अगर आप, अब हम रोज सुबह उठते हैं, भगवान को रोज प्रेयर करते हैं, ये हमारा रूटीन है. बिल्कुल. प्रेयर में हम बोलते हैं कि हम तो निर्दोष है, हम तो ये है, जो भी है आप ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जो भी आप एक कोई भी श्लोक उठाकर देख लो, उसमें हम भगवान को आगे करते हैं, हमको पीछे रखते हैं और बोलते तू ही कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो वो भी अफर्मेशन ही है. राइट, एब्सोल्युटली. क्योंकि हमने क्या प्रे किया कि भाई जो भी होगा तेरी वजह से हो रहा है, तू कर रहा है, और मैं जो एक हूँ वह तो निमित्त मात्र हूँ, तो मुझसे अच्छा कर्म हो ऐसी प्रार्थना करते, तो वो अफर्मेशन ही डाला हमने. मैनिफेस्टेशन क्या है, तो जो हम मन्नत मांगते हैं, हर कोई मन्नत मांगता है. अच्छा, राइट है. मन्नत मांगते हैं कि मुझे, आपने ये सलूशन दिया इसका, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के लिए जिसको आप सॉल्व कर रहे हो. हाँ, क्योंकि क्या होता है, अभी हम मैंने बोला कि मुझे मेरा ये काम हो जाए ईश्वर, तो मैं आपको ये करूंगा. बराबर है. और फिर हम क्या करते हैं, उस काम में लग जाते इस भावना के साथ कि ईश्वर को हमने बोल दिया है, वो हमारी प्रार्थना आज नहीं तो कल सुनने है, हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की ओर नहीं देखना. गीता भी तो यही कहती है. बिल्कुल सही कहा आपने. तो इसी को तो मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कि आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए जो आपको चाहिए, यूनिवर्स आपको लाके दे देगा. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. तो यही हुआ मैनिफेस्टेशन. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद बोल रहा है कि मैं तो लॉ हूँ, मैं तो एक कानून हूँ, मैं एक नियम हूँ, मैं कोई टेक्निक नहीं हूँ. तो जब वो लॉ है, तो आप चाहो ना चाहो वो काम कर रहा है. वाओ. तो जब वो काम कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पुराणों में, एस्ट्रोलॉजी में, आप बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हो कि किसी का बुरा नहीं बोलते बेटा, अपना ही बुरा हो जाता है, किसी का ये नहीं करते. क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो जानते हैं, शायद हमारी सभ्यता से जुड़ा है. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तुम जो फील करोगे, तुम जो बोलोगे, उसी वाइब्रेशन में तुम रहोगे, यूनिवर्स वाइब्रेशन पकड़ेगा. वो ये नहीं जानता कि मैंने किसी और के लिए बोला, मैंने अपने लिए बोला. वो समझेगा अरे तुमको ये चाहिए, लो तुम्हारा ही हो जाएगा, तथास्तु. Right. बिल्कुल. तो इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते. बस कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो गया, सिखाने का लोगों का तरीका बदल चुका है, बाकी ये सारा हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है. तो कुछ चीजें हमें अच्छी वहां से भी लेनी चाहिए, और कुछ अच्छी चीजें जो हमारे पास है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा तो यही मानना है. जी जी बिल्कुल. और आपने बहुत ही डीप आंसर दिया हुआ है, जो समझ में लोगों को बहुत इजीली भी आ जाएगा. और ये जो मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन से, इन सब चीजों से 100% रिजल्ट्स आते ही हैं.
लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अभी भी वो मन में रहता है होगा या नहीं होगा। ये इसी को हम फॉल्स ईगो कहते हैं। अच्छा बिल्कुल। इफ एंड बट जहां आ गया, हम बोलते ना कोई भी काम करो ना तो डाउट के साथ नहीं कर पाते। बिल्कुल। ये मैंने अभी आपको बोल दिया कि कृष्णा ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो मैं दूंगा तुमको। बराबर। तो जब तुमने फोकस लगा के काम करना है तो करते रहो, तुम्हें कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, मेरे वो आपका काम नहीं है देखना। बराबर। अगर एक, अब मैं भी एक काम कर रही हूँ, आज मेरे जैसे हजार हीलर है, पर अगर मैं ये सोचकर बाहर ही ना निकलूं, घर में ही बैठी रहूं कि मुझे कौन सुनेगा, तो मुझे सच में कोई नहीं सुनेगा। बराबर बिल्कुल। लेकिन मैं एक बार हिम्मत करके आपको मेरा विचार शेयर करूंगी तो हो सकता है 10 लोगों को अच्छा लगे, वो 100 लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही तो, कहा आपने। तो बस ऐसे ही ये काम करता है। तो ये जब जो लोग हैं जिनके माइंड में आपने जैसे अभी कहा कि होगा या ना होगा, वो नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि हमें सबको एक फॉल्स ईगो होता है। हमारे पास दो माइंड है, ये तो साइंटिफिकली प्रूफ है कि एक क्रिटिकल माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। बिल्कुल। जिसको चेतन माइंड और अवचेतन माइंड बोलते हैं, बराबर है। बराबर। जो क्रिटिकल माइंड है ना, वो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वो हमें पूछता कि लोग क्या कहेंगे, मैं करूँ का ना करूँ, ये तो बोल दिया पर नहीं होगा तो, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं और मुझे तो ये करने को बोला, कहाँ से होने वाला है, ये तो होता ही नहीं। ये सारे चीजें जब तुमको बोला जाता है तो आ जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल माइंड। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वहां पे सो रहा है, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन उसे सॉल्यूशन पता है। लेकिन जब तुम अफर्मेशन करते हो, जब तुम जोर से बोलते हो और उसको अप्लाई करना शुरू करते हो, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें फीड होती है और वो उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस आता है, उसके साथ आप वो सारी वाइब्रेशन अट्रैक्ट करते हो। अब आपको FM पे 90 कोई FM पे गाना सुनना है तो आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। अगर मुझे सैड सॉन्ग गाना है लगाना है तो वो सैड सॉन्ग ही बचेगा ना, फिर मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे तो सैड सॉन्ग बज रहा है, मुझे तो खुशी का गाना सुनना है। तो मुझे वो ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस और क्रिटिकल माइंड काम करता है। तो हमें हमारी इनर वॉइस को सुनने के लिए कहा जाता है। लोगों को और आजू बाजू की चीजों को हम उसको शोर बोलते हैं। Absolutely. तो उस शोर को दबाना है और हमारे अंदर जाना है। अगर देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आप बाहर नहीं जा सकते और बाहर की दुनिया पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अंदर तो जा सकते हो। अंदर जाना मतलब डीप विदिन, गेट इनटू योरसेल्फ। वहां तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपके भीतर जाने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है। तो आप अपने भीतर से ही सॉल्यूशन निकालोगे और उस पर काम करना शुरू करते हो, कोई सुने या ना सुने। मतलब अभी देखो आप भी है, आपने भी एक प्लेटफॉर्म दिया है पॉडकास्टिंग, आजकल बहुत लोग कम करते हैं, अभी लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन आपको एक उम्मीद होगी ना कि आज नहीं तो कल मेरा ये फर्स्ट मैगजीन है जो टॉकेटिव है, जो प्रिंट नहीं करता पर ऑनलाइन डिजिटल है, आज नहीं तो आगे आएगा। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ ही आपने चालू किया होगा। जी बिल्कुल। वहां पे इफ एंड बट्स नहीं होता, फिर करना है तो करना है। कोई मुझे 10 लाइक मिले तो भी मैं करूंगी, मुझे 1 लाइक मिले तो भी करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए है। अगर ये सोच के जब आप करते हो तो आपको रास्ता मिलता है। Absolutely. बहुत ही सही तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं। मैं नॉर्मली बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स को जानती हूँ, मैं उनसे भी बात करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो स्टडी है ये बहुत ही पर्सनल है शायद आपके लिए, क्योंकि एक होती है जो हम पढ़ते हैं, हम दूसरों के लिए पढ़ते हैं, आपने खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए पढ़ी हुई, क्योंकि आपने बहुत गहराई के साथ में आंसर्स दे रहे हैं सारे। इसका एक वजह होता है कि सबकी अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। बिल्कुल। सबका सपना अपना पाठ होता है। देखो जो मैं ये कहती हूँ कि देर सवेर हम हमारी मुकाम पे पहुंच ही जाते, कोई स्लो चलता है, कोई तेज चलता है, कोई रुक जाता है, कोई चलता रहता है, वो मैटर नहीं कर रहा है। और स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी जर्नी होती ना कि वहां पे कोई आगे पीछे नहीं होता। बिल्कुल। ना ही उसमें एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, क्योंकि ये एक अवेकनिंग होती है, गॉड गिफ्ट होती है, जो अचानक से तुम जाग गए और तुमको मिलने लगा कि इस तरह से होता है। तो इसलिए, और दूसरा यस पर्सनल, मैंने पहले ही बोला कि हीलर्स की लाइफ में आप किसी की भी हीलर्स की उठा लो, उन्होंने कुछ ना कुछ बुरा या बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस किया होगा, तभी उनको पॉजिटिविटी का पता चलता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये होता है, तो हर हीलर अपनी जर्नी में, हर हीलर के पास अपना अपना एक्सपीरियंस होता ही है, बस मैटर ये करता है कि वो कहीं किस तरीके से अपने आप को आगे लाता है दुनिया के सामने, और वो किस तरीके से प्रेजेंट करता है अपने विचारों को या अपने ख्यालों को। फिर उसमें टीचिंग स्किल कितनी है, उसका काउंसलिंग पावर कितना है, वो पर्सनलाइज हो जाता है। उसकी वजह से आपको शायद ये महसूस होता है कि कुछ हीलर ऐसा है कुछ है। बाकी सब इक्वली होते हैं, लेकिन सबका तरीका यूनिक होता है, हर हीलर अपने अपने यूनिक नेक्स्ट लेकर चलता है। Wow, that's interesting. अब मैम आप ये बताएंगे कि आज जैसे कि अभी आप इतनी सारी स्पिरिचुअल जर्नी आपने एक्सपीरियंस की है, आपने काफी लोगों को हील भी किया है, और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे अभी अभी न्यू कमर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक तरीके का डिप्रेशन होता है कि बात करने के लिए उनके लिए हिचकिचाहट होती है और उनको आंसर्स भी चाहिए होते हैं, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे और उनको आप क्या टिप दोगे जिससे उनके लिए एक तरीके का मैनिफेस्टेशन के उनको उनका जो ड्रीम जॉब है या उनके ड्रीम परसेंटेजेस हैं वो उनको मिले। सी बेसिकली हीलर्स के काम यही होते हैं कि आपका जो भी है, सी एनीथिंग इफ यू वांट टू अचीव यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, ये तो तय है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के मुझे बोलोगे कि मैम मुझे ये चाहिए, तो नहीं होना है वो, तो मैं शुगर कोटेड नहीं बोलूंगी कि मैं आपको कर दूंगी। लेकिन अगर आप भी तैयार हो, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिजायर टू अचीव योर गोल्स, देन आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। पर अगर आप बोलोगे कि जैसे मैंने बोला एक रेमेडी होती है, वो फोकस होता है, वाइब्रेशन चेंज करना होता है, ये सारा काम हम आपको एक बार करके देंगे, फिर उसी पे आपको मेंटेन करना, सस्टेन करना, वो आपका जॉब होता है। फिर एक छोटा टेम्पटेशन आया और आपका फोकस हिल गया, एक थोड़ी सी ऑब्स्टिकल आई, आपने गिव अप कर दिया, तो फिर नहीं होना है ना, फिर तो जीरो से चालू करना है फिर आपको। बहुत ही सही कहा आपने, और ये बहुत बार ऐसा होता भी है कि कुछ लोग कुछ बार स्टार्ट करते हैं, अभी जब हम कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, आपके भी शायद ऐसे कोई क्लाइंट्स होंगे जो बहुत न्यू होंगे इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और आपने उनको कोई रेमेडी बताई होगी, लेकिन वो एक ही बार में तो रिजल्ट किसी चीज का नहीं आता, लेकिन सामने वाला उसका डेडिकेशन रखने की जगह गिव अप कर देता है। या मतलब कैसे करते हैं, जनरली 90% क्लाइंट्स ऐसे करते हैं कि एक रेमेडी ले लेते हैं, या तो अभी YouTube, Facebook से जो रेंडम चलता है उनसे वो रेमेडी लेके अप्लाई करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई, टेक्निक क्या होती है, फिर वो अप्लाई नहीं 10 दिन फॉलो करेंगे, फिर बोलेंगे और कुछ नया दिख गया, तो बोले ये छोड़ के ये कर देंगे, तो फिर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आना है, तुम भटकते रहो फिर तो तुमको कुछ भी ना मिलना है। Absolutely. तो कहने का मतलब ये होता है, एक एक चीज को पकड़ो, अगर आपको विश्वास रखो, फेथ रखो और अपना पावर लगाओ। अगर एक हीलर की मदद लेते हो तो वो अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा आपके साथ और फिर आपको आगे लाएगा। आपको अकेले करना है, इफ यू डोंट वांट टू कि मेरा कोई हीलर नहीं चाहिए, मैं यूट्यूब से या कहीं ले लो, बट क्या कहने का मतलब है, सही तरीके से अगर अप्लाई करते हो तो ही वो काम करने वाला है। Absolutely, सही कहा। अदरवाइज वो काम नहीं करता, फिर वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, फिर आप बोलोगे कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं कर रहा, न्यूमरोलॉजी काम नहीं कर रहा, कोई रेमेडी काम नहीं कर रही है। मेरी पहली रील जो मैंने बनाई थी उसी पे बनाई थी कि आप कहीं से भी उठा लो कोई भी रेमेडी, पर अगर आप अवेयर नहीं हो, आप माइंडफुलनेस के साथ काम नहीं कर रहे हो, आपका फोकस नहीं है और आप इंटेंशन के साथ वो काम नहीं कर रहे हो, इंटेंशन सेट नहीं कर रहे हो, तो वो आपको फल नहीं देगा। तो ये किस तरह, आपने जो अभी इतनी अच्छी सी बात बताई है मुझे 100%, ये इंटेंशंस की बात हम करें अभी, तो इंटेंशंस कैसे सेट करते हैं, आप गाइडेंस देंगे इस पे? यस, देखो अगर मैं अभी जैसे जनरली मैंने बोला कि मुझे जब स्पिरिचुअल मुझे ये सीखना है, तो मैंने एक इंटेंशन सेट किया था तब कि मुझे तब तो पता भी नहीं था ये कैसे करते, फिर भी मैंने सोचा था कि मुझे करना है तो मैं कैसे करूं, तो मैं रोज जब भी मैं सन की पूजा, मेरा डेली रूटीन है, मैं सन प्रे करती ही हूँ क्योंकि मुझे उससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो मैं हमेशा वहां देख के की पूछती थी, लेकिन मैं करूँ कैसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे ना इतना स्मार्टफोन चलाना तब आता था, ना आज भी मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन अभी सब आ रहे हैं तो मुझे भी आना पड़ा, क्योंकि 512 एड्रेस मास लेवल पर मुझे लोगों को बताना है कि मैं क्या जानती हूँ, तो मुझे आना पड़ेगा। तो मैं वही सोचती थी कि मेरे पास ना पैसा है, ना मेरे पास नॉलेज है, ना मेरे पास कुछ ऐसे लोग नहीं है मेरे पास, तो बस शायद वही मैनिफेस्टेशन हुआ जो रोज मैं सोचूंगी, यूनिवर्स वो मैनिफेस्ट करने लगता है, जैसे मैंने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन
उसके बाद जो स्टेप आता है वो है लो ऑफ एक्शन का स्टेप होता है. लो ऑफ एक्शन सबके लिए काम करता है, आज भी आपके लिए भी, अभी भी कर रहा है, मेरे लिए भी कर रहा है. लेकिन अगर मैं उसके टूवर्ड्स एक्शन नहीं लेती हूँ, मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डर जाती हूँ और मैं लेती नहीं हूँ, तो फिर मेरा कैसे मैनिफेस्टेशन पूरा होगा. Understood. बहुत ही तो मुझे जब मुझे लोगों से मिलने का मौका मिला तो मैंने फ्रेंकली बोल दिया कि मुझे ये सब नहीं आता, मुझे सीखना है, मैं क्या कर सकती हूँ. तो उन्होंने बोला ये करो वो करो, मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए. तो बोला आप मेरे फ्री वेबिनार्स अटेंड करो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो. मैंने ऐसे ऐसे पहले स्टार्टिंग में ज्ञान लिया था, फिर मुझे जब लगा कि नहीं अब मैं इनफ नॉलेज के साथ हूँ, ये बिखरा बिखरा है, मुझे एक मेंटोर की जरूरत है, मुझे इसे प्रोफेशनल सीखना है, फिर मैंने ये सर्टिफिकेशन की तरफ गई कि मैंने सारे सर्टिफाइड कोर्स किए एंड मैंने 3 से 4 मास्टर डिग्री ली इसमें. लेकिन जब मैंने ये फोकस किया, मैनिफेस्ट किया, तो मैं डरी नहीं थी. मुझे जिसने जो भी ऑफर किया मैंने लेती गई हूँ और दिन रात मैंने काम किया. That's interesting. कुछ कुछ काम मैंने फ्री में भी किए, ऑफर मतलब बार्टर पे किए कि भाई आप मेरा इतना काम करना है आपको, बदले में आप मेरा ये कोर्स ले लो. आज मैंने वो किया है. तो वो अपॉर्चुनिटी जब तुम ग्रैब करते हो, तुमको सीखना ही है, तो रात को 3 बजे भी अगर फोन आता है, और जैसे कोविड में मुझे बहुत फोन आते थे रात को 10 बजे, कभी रात को 12 बजे, कि हमारे हस्बैंड को एडमिट कर रहे हैं, प्लीज हीलिंग दे दो. हीलिंग थेरेपी, डेफिनेटली. और क्योंकि दवा और दवा साथ में करता है, क्योंकि जब कोविड का वक्त था उस वक्त तो 100% जितनी मेडिसिन की जरूरत थी उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हीलिंग की जरूरत थी. तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली. मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे सोने का टाइम है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं खुद थकी हुई हूँ, या मैंने ये नहीं कहा भाई मैं इतनी सारी नेगेटिविटी ले लूंगी तो मुझे भी कुछ हो जाएगा. मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं हील करके देती हूँ, बस मुझे एक टेस्टिमोनियल दे देना कि आपको कैसा फील हुआ, आप एक छोटा सा फीडबैक डाल देना. और उस वक्त तो ऐसी हालत थी ना कि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, दवा के पैसे नहीं है, तो मुझे कहाँ से देंगे. हाँ, बिल्कुल सही कहा. तो मैंने बोला एनर्जी एक्शन तो होना ही चाहिए, तो आप मुझे सिर्फ बता देना कि आपको कैसा लगा और ठीक लग रहा है कि नहीं, हुए कि नहीं. और उसके बाद तो 6-8 महीने तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. मुझे लगा कि होगा, चलो मेरे मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, मुझे और मेडिटेशन या कुछ सीखने की जरूरत है, ये सोचकर मैंने वो जर्नी चालू रखी. मैंने गिव अप नहीं किया. लेकिन फिर अचानक से सबके मैसेजेस आने लगे थोड़े थोड़े कि मैम आपने जो कोरोना में हमको किया था, आज हम काफी ठीक फील कर रहे हैं, आज मेरा धंधा चालू हो गया, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मेरा बच्चा ठीक हो गया, उसके पेपर्स अच्छे जाने लगे. हम तो फिर लगा कि नहीं, वो काम अब दिख रहा है, अब आ रहा है. बस फिर वहां से मैंने जर्नी शुरू की. तो नाउ मैं वो कर रही हूँ और हीलिंग लाइव करती हूँ, ताकि किसी को भी अगर ऐसा सेंसेशन फील होता है या फील होता है तो दे कैन शेयर विद मी. और ऐसा कुछ होता नहीं कि भाई मैं छुपा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं. तो जिसको अच्छा फील होता है वो सडनली अचानक से मुझे फीडबैक आ ही जाता है, तो मुझे भी पता चल रहा है कि मेरा काम अच्छे से हो रहा है, क्योंकि इससे कोई प्रूफ नहीं होता. इट टोटली बिलीफ सिस्टम पे चलता है, टोटली फीडबैक पे चलता है. अगर आपने मुझे फीडबैक दिया तो मेरा काम सफल है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती. सो ट्रू, सो नाइस. आप इतना लोगों के लिए करते हो और पूरा टाइम, जैसे अभी आपने बताया कि रातों को दिन को आप बिजी रहते हो, एंड बीइंग अ वुमन, बीइंग अ परफेक्ट वुमन फॉर मी, लाइक हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? आप जब फ्री होते हो तो कैसे अपना वक्त निकालते हो इन सभी स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग थेरेपीज के अलावा? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग एक टीचर भी हूँ. मैं 2 टाइम का 2 मॉर्निंग इवनिंग में ट्यूशन लेती हूँ, बिकॉज दैट इज माई मेन ब्रेड एंड बटर. ओके. जिससे मेरा घर चलता है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ आगे. और दूसरा ये है, इसमें विश होता है तो कोई मुझे दे पाता है तो वो देते हैं, जो नहीं दे पाता वो कोई भी एक्सचेंज कर सकते हैं. कभी कभी क्लाइंट के पास देने के लिए कुछ नहीं होता तो वो अपने कोई प्रोडक्ट मुझे दे देते कि मैम ये मेरे पास है आप ये रख लो. कभी कभी कोई बोलता है कि आई डोंट हैव दैट मच मनी, आई विल पुट 21 रुपीज भी कभी कोई रखता है, कोई कभी कुछ नहीं रखता है तो फीडबैक दे देते हैं. बट मेरा चल रहा है. बट दैट इज हाउ मैंने बोला कि जो बनना था मुझे वो बनना था. Absolutely. तो आज भी मुझे कुछ ना मिलता है तो भी मुझे रिस्पेक्ट मैंने बहुत लिया लोगों से. आज भी लोग मुझ पे भरोसा करते हैं. और डॉक्टर के बाद अगर कोई किसी को याद करता तो वो मुझे याद करते, तो उसकी खुशी है. Definitely. So nice. तो आज भी आप इतना कुछ एक्टिविटीज अगर इन्वॉल्व करते हो, और अभी फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है? बस मैं छोटे छोटे से 2-3 दिन के वर्कशॉप वुमेन्स के लिए रखना चाहूंगी, जहाँ पे मैं उनको
स्पिरिचुअलिटी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और टेक्निक सिखा सकूं, ताकि वो जो रेमेडी फॉलो करते हैं, चाहे वो वास्तु की हो, चाहे वो एस्ट्रो की हो, चाहे न्यूमरोलॉजी की हो, चाहे कोई भी रेमेडी हो, पर उसे कंटिन्यूज आपको इफेक्टिव कैसे बनाए रखना है, क्योंकि आप कोई भी चीज लाके ऐसे छोड़ दोगे ना तो वो किसी काम की नहीं रहती, उसका भी पावर खत्म होता है। आपका फोन भी आपको टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है ना। जी जी जी। तो आप एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर आते हो और फिर आपकी वाइब्रेशन बुरी हो जाती है, आपके आजू बाजू कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग या कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो आप वापस डगमगा जाते हो, तो फिर वो रेमेडी कैसे काम करेगी। सो ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसके लिए डेली गाइडेंस वगैरह जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके हम पहले स्टूडेंट बनेंगे। श्योर, मोस्ट वेलकम मैम। मेरे बहुत छोटे भी होते हैं, ओरा क्लीनिंग होता है, फॉरगिवनेस होता है, क्योंकि ये बेसिक चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पाने के, मैनिफेस्टेशन कम ट्रू करने के। एब्सोल्युटली, दैट्स सो। तो मैं डू एंड डोंट सिखा देती हूँ, बाकी आप किसी को भी फॉलो करे, वो अच्छा सिखाती, सारे हीलर अच्छा ही सिखाते, पर मैं मानती हूँ कि उससे पहले वो सिखाना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद आप वो इफेक्टिव रेमेडी आपकी इफेक्टिव निकलेगी और आप वो कर पाओगे। और हर बार आप किसी हीलर पे या किसी टैरो रीडर पे या किसी वास्तु पे डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि लाइफ है, चलती रहेगी, फर्मा होते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे, एवरी नाउ एंड देन आप 6-6 महीने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप कैसे जी पाओगे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। So true, so nice about it, and thank you so much. आपके साथ बात करना actually ना वक्त का अंदाजा नहीं लगता, लेकिन इतना तो होते है कि आपसे ना बहुत कुछ सीखने मिल रहा। और जब ये अभी हम नॉर्मली मेरे पॉडकास्ट वीडियोस में कन्वर्ट मत करके हम यूट्यूब में नहीं डालते, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचना भी जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं है, आप कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं, आप बहुत गहराई वाली कुछ हकीकत, रियलिस्टिक स्टोरी जो अपने आप में आपने फील की है, वो आप हमसे शेयर कर रहे हो। और बहुत सारे लोग जो आज YouTube वगैरह देख के अपने आप को मतलब गुमराह कर रहे हैं, उनको आप सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और मेरे ख्याल से यही आपके वर्कशॉप्स भी होंगे जिसमें लोगों को बहुत कुछ गाइडेंस दिया जाएगा। या मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अपने कल्चर से अगर बाहर की चीजें जो अच्छी है, टैरो जैसे हमारे इलाका नहीं है, लेकिन हमने उसे एस्ट्रो से जोड़ सकते हैं, हम न्यूमरोलॉजी से जोड़ सकते हैं, हम सारी चीजों को अपने कल्चर से जोड़कर करेंगे ना, तो कनेक्टिविटी ज्यादा महसूस होगी। अगर आप जिसमें मानते हैं, आप जैसे जिस ईश्वर में मानते हो, मान लो आप गणपति में मानते हो और मैं गणपति जी की बात करूंगी, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरा यही कहना है कि हम इस हमारे कल्चर को साथ लेकर चलेंगे और फिर स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम ऑलरेडी कितने स्पिरिचुअल ही है। डेफिनेटली सही बात की हमने, हमारा इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, हम सिर्फ उतना ही अपने आप में एक्टिवेट करने की जरूरत है। yes. है ना, उसके लिए वैसे थैंक यू सो मच आप आए और आपने इतना कुछ शेयर किया मेरे ख्याल से। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपके साथ करना ही मुझे वापस था, क्योंकि पहले भी जब किया मुझे टीम ने कहा, तो मैंने कहा डेफिनेटली करते हैं बिकॉज, और मैंने इस बार आपको टैरो का नहीं पूछा क्योंकि वो मुझे पहले आपसे नॉलेज मुझे हासिल हुआ। आज जो आपने कहा ये डेफिनेटली बहुतों को बेनिफिट करने वाली बातें आपने की, सो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस इनटू द राइट पाथ। नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो बहुत सारे उसके प्रश्न उठते हैं, सही है, गलत है, स्पेल है, ये है, एक तरीके का डर है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, इसमें ऑरा क्लेंज करने के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन आप जो जिस तरीके से समझा रहे हो वो काफी हद तक बहुत डीप रूटेड आंसर्स हैं आपके। थैंक यू वेरी मच, इसके लिए वी रियली हैप्पी टू हैव यू एज अ पैनल, एंड थैंक यू सो मच आज आप आए, उसके लिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और ये प्यारा प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि लोग मेरे को सुन सके। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी आवाज में दम है, ऊपर वाले ने चाहा आप बहुत ही जल्दी लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचोगे और लोग आपकी सराहना करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम जी, ऑल द बेस्ट, एंड इट वाज लवली टू हैव यू डियर, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। ओके, सेम टू यू।